हाउ टू शूट इन रील वीडियो। अब ये कोई न्यू टॉपिक तो है नहीं, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? फिर ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ? इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है? सिंपल बात है, अगर आप किसी भी चीज़ को एक प्रोफेशनल लेवल पे ले जाने की कोशिश करोगे तो वो धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है और सीखने को मिलती है, और किसी नए इंसान के साथ काम करते टाइम प्रॉब्लम होती ही होती है। तो जब आप रील्स को एक प्रोफेशनल कैमरे से DSLR से शूट करते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, और मैं कौन सी प्रॉब्लम फेस करता हूँ? तो इन सिंपल वे हम कह सकते हैं इसका मतलब, हाउ टू शूट रील वीडियो यूजिंग बाय DSLR। तो अब DSLR का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं रील में, और किन किन टूल्स की हमें नीड होती है? बिकॉज जब रील्स को DSLR से शूट करने की बात आती है तो मोस्टली बिगनर्स बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। उन्हें लगता है कि कैमरे से शूट करना इतना ईजी होता है वीडियोज़ को, बट रियलिटी में नहीं होता है। तो इसमें क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, वो मैं बताऊँगा। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट टूल्स, कैमरा सेटिंग्स एंड पोस्ट प्रोडक्शन मतलब एडिटिंग। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टूल्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये एक बात क्लियर कर दूँ कि टूल्स के अपने एक नीड्स होते हैं कि आपको कौन सा टूल कब यूज़ में लाना है। बिकॉज अगर मैं इंडोर शूट कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइटनिंग चाहिए होगी, बट आउटडोर में वही वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अगर मैं नाइट शूट बाहर कर रहा हूँ तो मुझे लाइटनिंग चाहिए, और डे में कर रहा हूँ तो लाइटनिंग की इतनी खास नीड नहीं है। तो ये आपके डिपेंड करते हैं आपको कौन से एनवायरनमेंट में शूट करना है और आपकी रील्स पर आपको किस टाइप की रील्स शूट करनी है। फर्स्ट यू नीड ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल, कैमरा। बिकॉज कैमरे के बिना आप शूट ही क्या करोगे? तो एक बेसिक आपको कैमरा चाहिए जिसमें लेंस लग जाता हो। अगर आपको के पास ऐसा लेंस वाला कैमरा नहीं है तो बहुत सारे पावर शॉट्स टाइप में कैमरे आते हैं जो अच्छा खासा बैकग्राउंड ब्लर दे देते हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, ए लेंस दैट प्रोवाइड ए बैकग्राउंड ब्लर। लेंस कौन सा बेस्ट रहेगा? प्रॉब्लम आपकी लेंस की नहीं है, आप किसी भी लेंस से शूट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा चाहिए तो आप प्राइम लेंस का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता और आपके पास प्राइम लेंस नहीं है तो आपके पास जो लेंस है आप उसे ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ट्राई करने में क्या ही जाता है। बट अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए अपनी वीडियोज़ में या किसी और की वीडियोज़ में आप बना रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक प्राइम लेंस का यूज़ करें जिसका अपर्चर नंबर छोटा हो। मैं अपनी रील्स में सिग्मा 30mm f/1.4 का यूज़ करता हूँ, बट अगर आपके पास कोई और लेंस है 50mm f/1.8 अवेलेबल है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, या आपके पास जो भी लेंस हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। थर्ड, यू नीड ए ब्लूटूथ स्पीकर वीडियो में क्लियर साउंड के लिए। ब्लूटूथ स्पीकर का यूज़ क्यों किया जाता है वीडियोज़ में? अब वैसे लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं क्लियर कर देता हूँ। बिकॉज कैमरा जब शूट करता है तो उसे एक ऑडियो भी चाहिए होता है। आपने नोटिस किया होगा जब फ़ोन से रील बनाते हो तो उसमें कंटिन्यू एक सॉन्ग चलता है जिस पे आप लिपसिंग करते हो। सेम यहीं पे वही कंडीशंस आती है जहाँ पे स्पीकर में बसता है और आपको लिपसिंग करनी होती है। बट बाद में जब हम एडिटिंग के टाइम पे एक सिंक्रोनाइज करते हैं आपके ओरिजिनल ऑडियो के साथ इसे, बिकॉज जब कैमरा रिकॉर्ड करता है तो नॉइस बहुत सारी आसपास की एनवायरनमेंट की नॉइस भी कैप्चर कर लेता है, जिससे वो ऑडियो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो हम ओरिजिनल ऑडियो को रख के उस वीडियो को उसके ऊपर रखते हैं और सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन के बारे में नहीं पता तो मेरी ये वीडियो देख सकते हो, ये अभी लास्ट वीडियो गई है, तो उसके बारे में सीख सकते हो आपको सिंक्रोनाइजेशन। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको सिंक्रोनाइजेशन कैसे कर सकते हैं इसमें मैं दिखा सकूँ। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, बिकॉज इसी की मदद से आप अच्छी खासी एक स्टेबल फुटेज निकाल सकते हो। हाँ सही समझे, स्टेबल मतलब गिम्बल और ट्राइपॉड। अब ये डिपेंड करता है आपको किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए। बिकॉज अगर आपको वीडियोज़ चाहिए जिसमें आपका सब्जेक्ट बस खड़ा है और लिपसिंग करा जा रहा है हाँ रुक जाओ बस, देन अगर आपको अच्छी खासी फुटेज चाहिए जिसमें मूवमेंट हो, आपका सब्जेक्ट घूमता हुआ लिपसिंग करे जैसे आपने सॉन्ग्स में देखोगे, तब गिम्बल का यूज़ किया जाता है। तो ये डिपेंड आप पे करता है आपको किस टाइप की रील्स चाहिए। फिफ्थ और लास्ट, रियलिटी में ये एक सिनेमेटोग्राफी या आप किसी भी तरह का वीडियो शूट करते हो, इस टूल की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बट कई क्रिएटर्स इसे अवॉइड करते हैं। कुछ लोगों को इसकी नॉलेज ही नहीं होती ये क्यों यूज़ किया जाता है। ये है एनडी फिल्टर्स। अब एनडी फिल्टर्स के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। ये लाइट को रोकने के काम आता है। इसका यूज़ करके आप अपने कैमरे के सेंसर में जो लाइट आ रही है उसे थोड़ा सा कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अपने आप में ही, बट लोगों को नहीं पता होता इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। अपने साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। जब आपको वीडियोस नेचुरल लुक में चाहिए होती है जिसमें आपको मूवमेंट में एक नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर मिले,
तब आपको सेटिंग्स करनी पड़ती हैं इसकी, वो सेटिंग्स मैं आपको कैमरे के आगे बता दूंगा कैमरे में। बट नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर के लिए आप शटर स्पीड बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते हो, आपको शटर स्पीड लो ही रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से अगर आप एक आउटडोर में शूट कर रहे हो और आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए जिसमें आपका लो अपर्चर है, आपने ISO भी 100 कर रखा है, तब वहाँ पे आप अपनी शटर स्पीड को हाई नहीं कर सकते, तब वहाँ पे आप ND फिल्टर्स का यूज़ करके अपनी लाइट को कंट्रोल करते हो, ताकि आप स्पीड को कम करके और लो अपर्चर पे एक अच्छा बैकग्राउंड ब्लर के साथ एक वीडियो शूट कर पाओ। अब करते हैं कैमरा सेटिंग्स की बात, अब कैमरे में क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए और कौन सी सेटिंग आपके लिए बेस्ट है और कौन सी नहीं। अब हम तीन चीज़ों पे मेन बात करेंगे, ISO, शटर स्पीड और अपर्चर। पहले हम ISO के बारे में बात करते हैं। ISO हमें मिनिमम रखना चाहिए बिकॉज डे लाइट में हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो हमें लाइटनिंग की नीड नहीं होती, तो हम जितना कम से कम लाइट रख सकते हैं अपनी रख सकते हैं, तो ISO हम सबसे कम रखते हैं अपना, मिनिमम 100। अब बात करते हैं अपर्चर की, आपको अपर्चर कितना रखना चाहिए अपनी वीडियोज़ में। तो देखिए ये आप पे डिपेंड करता है, आपको अपनी वीडियो में अपर्चर कितना रखना है। अपर्चर नंबर जितना आप लो रखेंगे उतनी ज़्यादा आपके फ्रेम में लाइट आएगी, आपको ये पता होगा। तो जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उससे समटाइम ओवर एक्सपोज जाता है, इसीलिए ND फिल्टर्स का भी यूज़ किया जाता है लाइट को कम करने के लिए। अब आते हैं मेन चीज़ पे, शटर स्पीड। अब शटर स्पीड आपको क्या रखनी चाहिए, ये शटर स्पीड आपकी फ्रेम रेट पे तय होती है, जो आपके FPS होते हैं हर कैमरे में, ये 24, 30, 60, 120 और भी ऊपर जाता है, और ऊपर से हमें रील्स की नीड नहीं है। अभी हम यही बात करते हैं, हमारे पास जो होता है 24, 30 और 60 हम नॉर्मली इसी पे शूट होते हैं सारे वीडियोस। तो आपको डिसाइड करना था आपको किस फ्रेम रेट पे शूट करनी है। अगर आप 60 पे शूट करते हैं तो आप उसे प्री प्रोडक्शन में उसे स्लो मोशन में डाल सकते हैं, अगर आपको स्लो करनी है आप 120 पे करके उसे स्लो कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, ये आपकी मर्ज़ी आपको कितना फुटेज स्लो चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे मैं शटर स्पीड के बारे में बताता हूँ, FPS के बारे में क्यों बताने लग गया अचानक से। तो शटर स्पीड आपके FPS पे डिपेंड करती है, अगर आपको FPS की नॉलेज है, फ्रेम पर सेकंड की नॉलेज है, तो आपको पता होगा आपकी शटर स्पीड आपको क्या रखनी है। आपकी शटर स्पीड आपके फ्रेम रेट के 1/2 होती है, मीन्स अगर आपका फ्रेम रेट 50 है तो आपकी शटर स्पीड 1/100 होगी, अगर आपका शटर स्पीड 24 है या तो आप 1/50 रख सकते हैं इसे, बिकॉज वीडियो तब तक आपको अच्छी लगेगी जब तक उसमें नेचुरल मोशन ब्लर होगा। अगर उसमें नेचुरल मोशन ब्लर नहीं है तो वो एक आर्टिफिशियल वीडियो की तरह शो होती है, जो कहीं ना कहीं ओरिजिनल नहीं लगती है। अब अगर आपको शटर स्पीड समझ आई तो मैं FPS के बारे में बता देता हूँ। FPS होता है आपका फ्रेम पर सेकंड, आपका कैमरा एक सेकंड में कितने फ्रेम शूट कर रहा है। जब आप 60 FPS पे शूट कर रहे हो इसका मतलब है आपका कैमरा एक सेकंड में 60 फ्रेम शूट कर रहा है। इन सिंपल वे मैं आपको बता दूं, कैमरा वीडियो रिकॉर्ड ही इस तरीके से करता है, वो एक कई सारे फ़ोटोज़ को मिला के एक वीडियो को क्रिएट करता है, इसलिए इसे FPS कहते हैं, फ्रेम पर सेकंड। आपका कैमरा कितने फ्रेम एक बार में शूट कर रहा है और उन सबको मिलाकर वीडियो क्रिएट होती है। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बिल्कुल करके दूंगा। और अगर आप बोले तो मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा FPS और शटर स्पीड के ऊपर, बिकॉज वीडियो जितनी नेचुरल लगेगी, जितनी स्मूथ लगनी चाहिए उतनी लगती नहीं है अगर आपको FPS की या शटर स्पीड की नॉलेज ना हो। और मोस्टली मैंने देखा है लोगों को, मैंने प्रोफेशनल लेवल तक देखा है लोगों को ये गलतियां करते हुए। अब बात करते हैं एडिटिंग। एडिटिंग बहुत ज़रूरी है एक वीडियो में, बिकॉज कैमरे की फुटेज आप सीधा पोस्ट नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा लुक नहीं प्रोवाइड करेगी जब तक उसमें एडिटिंग ना की जाए, बिकॉज आज की डेट में फ़िल्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो फिल्टर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, देखिए प्रोफेशनल लेवल पे फ़िल्टर्स बनाना, उनमें कलर ग्रेडिंग करना, इस तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हर किसी की बस की नहीं है और हर कोई करना भी नहीं चाहता, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं, बट अगर आपको इस चीज़ से पूरा बचना है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप सीधा इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो को ले जा सकते हो, बिकॉज आपको इंस्टाग्राम ऑप्शन देता है, आप उसमें अपने फ़िल्टर्स डाल सकते हैं, आप वहीं पे अपने पूरा ओल्ड साउंड को हटा के उसमें न्यू साउंड ऐड कर सकते हैं और उसे ट्रिम कर सकते हैं। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है, अगर आप अपनी लिपसिंग को मैच कर सकते हो इंस्टाग्राम के अंदर ही, तो आपको और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप सीधा उसमें जाइए, उसमें अपनी वीडियो को ट्रिम करके डालिए और एक अपनी मर्ज़ी से कोई फ़िल्टर ऐड कर दीजिए और बूम, आपकी वीडियो तैयार है आपके सामने प्रोफेशनल वे में। तो समटाइम्स हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़रूरी हो जाता है, बट ये चीज़ें आपके पर्सनल लेवल तक ही अच्छी लगती हैं, जब आप एक एज ए प्रोफेशनल इस चीज़ को ले जाना चाहेंगे तब आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जब आप इंस्टाग्राम पर इस तरीके से वीडियो पोस्ट करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है।
और जब आप एक सॉफ्टवेयर पे आप जब इसी चीज़ को काम करते हो तो वो आपकी क्वालिटी को कोशिश करता है मेंटेन रखे या फिर इंक्रीज करे, डिक्रीज ना करे। अब बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में। देखिए पोस्ट प्रोडक्शन में मैं इसमें कुछ खास नहीं करूँगा, मैं एक अपने सॉफ्टवेयर में से ले जाकर रील को इसमें गाना सिंक्रोनाइज कर दूंगा, कलर ग्रेडिंग और जो भी चीज़ें होती हैं रील्स में वो मैं नहीं करके दिखा सकता बिकॉज़ ये ऑफ टॉपिक हो जाता है, बिकॉज ये कलर ग्रेडिंग अपने में अलग टॉपिक है और भी बहुत सारी चीज़ें अगर जो बाई चांसेस में एडिशन होती है वो अलग चीज़ हो जाती है।